हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में जो उत्तोलक आपका चैप्टर था, जिसको कि इंग्लिश में लीवर बोला जाता है, ठीक है। इसका थ्योरी क्लास जो इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, इसका थ्योरी में लीवर क्या होता है, आपका कितने तरह के लीवर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीवर क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, थर्ड ऑर्डर क्या होता है, ये सारा चीज़ जो हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्लास में जो है डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने सरल मशीन के बारे में स्टडी किया था और कितने टाइप्स के सरल मशीन होते हैं, ये सारा चीज़। तो यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पहले उस सारे वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको जो यहाँ पे जो आज हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और यदि आप अभी तक नहीं देखें तो देख लीजिए, और मैं यहाँ पर भी उसको जो है अच्छे से क्लियर यहाँ पर डिस्कस कर दूँगा, तो आप लोग यहाँ से भी उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पे रिवीजन करा देना चाहता हूँ, लीवर आपका क्या होता है, ठीक है। देखिए, लीवर एक क्या होता था, एक सिंपल रड होता था, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, एक सिंपल सा रड होता है हमारा, ठीक है, जिसके क्या होता है, कहीं पे जो है इसमें एक पॉइंट पे जो होता है, ये क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट पे जो है ये आपका देखते हैं इस तरह से छड़ यहाँ पे रहता है, ठीक है। और इसका एक तरफ आपका क्या होता है, लोड लगा रहता है, दूसरे तरफ पे हमारा एफर्ट होता है, ठीक है, जिसको कि प्रयास बोलते हैं। और इसका हम लोगों ने लीवर का सिद्धांत पढ़ा था, इसमें क्या था आपका लोड जो है और उसका जो फलक्रम से ये इसको क्या बोलते थे हम लोग, इसको फलक्रम बोलते थे, और इसके बीच का जो दूरी है और इसके बीच का जो आप प्रयास के बीच का दूरी है, तो दोनों का गुणनफल क्या होता था आपको, बराबर होता था, ठीक है। लोड का और आपका उसके बीच का लेंथ, और यहाँ पे प्रयास और उसके बीच का लेंथ, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसी को क्या बोला जाता है, लीवर जो है इसी के सिद्धांत पे बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर लीवर पढ़ा था, सेकंड ऑर्डर लीवर और थर्ड ऑर्डर लीवर। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में हम लोग क्या पढ़े थे, तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर उस लीवर को बोला जाता है जिसमें आपका ये देखिए यहाँ पर आपका लोड रहेगा, ठीक है, मिडिल पॉइंट पर जो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, फलक्रम रहेगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको फर्स्ट ऑर्डर लीवर बोलते हैं। सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है, आपका लोड जो होता है वो मिडिल पॉइंट पे रहता है, आपका लोड यहाँ पे रहेगा मिडिल में। और थर्ड ऑर्डर में आपका क्या होता है, प्रयास जो है मिडिल में रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में, ये सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। इसके पहले डिटेल्स इसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कहता है कि चार एक जो है 8 मीटर लंबी एक छड़ ए बी, देखिए ये हमारा एक छड़ है ए बी, जिसकी लंबाई दे दी गई है कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है। ये एक सिरे ए पर 10 किलोग्राम भार, एक सिरा ए जो है आपका यहाँ पे कितना है 10 किलोग्राम भार है संयोजित है, तथा उसके बाद आलंब की बी से दूरी 3 मीटर है, और आलंब जो है हमारा ये मिडिल पॉइंट, इसको आलंब बोला जाता है, ठीक है। इससे जो दूरी है वो कितना है 3 मीटर, बी पॉइंट का ये 3 मीटर है। अब कहता है यदि छड़ संतुलन में हो तो बी पर लोड का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि छड़ हमारा क्या संतुलन में है, तो बी पे कितना लोड जो हमारा इस पॉइंट पर लग रहा है, इसको हमको पी को यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन जो होता है आपका, तो इस तरह पे जो भी लोड लग रहा है आपका और जो दूरी है, ठीक है, उसका गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा इस तरह के लोड का और इसके बीच का दूरी का, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर बोला जा रहा है लोड जो है वो क्या है संतुलन में है, तो जब संतुलन में होगा तो इस तरह इधर का जो है वो बराबर होगा किसके, इधर के। चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग फिगर में टोटल लेंथ कितना दिया हुआ हमको, 8 मीटर दिया हुआ टोटल यहाँ से यहाँ तक का, और ये वाला जो हमको 3 मीटर दे दिया, ठीक है। तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 8 में क्या करेंगे, इसको 3 को घटा देंगे तो ये 5 मीटर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लोड लग रहा है ए पॉइंट पे वो दे दिया हमको 10 kg है, तो हमको बताना है बी पॉइंट पर जो पी है वो कितना होगा। तो देखिए इसको सिंपल से हम लोग जो लीवर जो संरक्षण सिद्धांत है आपका, लीवर प्रिंसिपल जो उसके ऊपर इस पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें देखिए सिंपल क्या करना है आपको, W ये W और जो यहाँ पे आपका लेंथ है इस पॉइंट से इधर का लेंथ कितना है 5 मीटर है, उसको बराबर कर देना हमको P, इधर जो लोड लग रहा है P और उसके बीच का लेंथ ये वाला, ठीक है। ये कितना आपका 3 मीटर, यहाँ से आपको जो है P फाइंड कर लेना है, ठीक है। P बराबर कितना हो जाएगा W 5/3, ठीक है। अब W का वैल्यू देखिए यहाँ पर दे दिया है आपको, W का वैल्यू दे 10 kg दिया हुआ है और लेंथ कितना था 5 था, और नीचे हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे 50/3, ठीक है। 50/3 ये किस में आ जाएगा आपका, केजी में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो सिंपल आपको करना क्या था, इसमें जब भी आपको बोला जाए कि क्या है छड़ आपका जो बैलेंस स्थिति में है, ठीक है, जब भी आपका संतुलित स्थिति में होगा तो इधर का जो लोड है आपका और ये जो लंबाई है उसको गुना करेंगे, और इधर का जो लोड है और इसके बीच का जो फलक्रम से इसका पॉइंट के बीच का दूरी उसको गुना करेंगे, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे और एक को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो एनसीबीटी एग्जाम में ये पूछा गया है 1992 ईस्वी में, ठीक है।
इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इसको अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जो है कमेंट कीजिएगा, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, 48 किलोग्राम भार का व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका वेट कितना है आपका 48 किलोग्राम, मास है उसका, द्रव्यमान है उसके, कहता है झूले के एक ओर आलम्ब से 1.7 मीटर की दूरी पर बैठा है। ठीक है, आलम्ब बोले थे क्या है, जिस पॉइंट पे हमारा जो है रड होता है, जो रड के साथ अटैच रहता है, जिस पॉइंट पे जहाँ पे फ्री मूव करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आलम्ब बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, सी पॉइंट जो वो क्या है, आलम्ब बिंदु है। यहाँ से कहता है 1.7 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति है बैठा हुआ जिसका कितना वेट है, उसका 48 kg जो है वेट है। ठीक है, और उसके बाद कहता है झूले के आलम्ब से दूसरी ओर 32 किलोग्राम भार का एक लड़का कितनी दूरी पर बैठाया जाए ताकि झूला जो होगा वो क्या है, वो संतुलन में होगा। ठीक है, तो कहता है आलम्ब से दूसरी ओर, चलिए इधर 32 kg इसका वेट है, बोल रहा है इसको बैठाया जाए कितना दूरी पे आपको बैठाए कि दोनों क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले भी बताया था, यदि संतुलन की स्थिति में आपको बोला जाए तो इस तरफ का वेट और जो ये लंबाई होगा आपका, अब यहाँ से आलम्ब से जो लंबाई होगा वो दोनों का गुणनफल, और इस तरफ का वेट और इसके आलम्ब से इस पॉइंट का जो दूरी होगा वो दोनों का गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा, तभी ये क्या होगा, संतुलन कंडीशन में होगा। ठीक है, तो चलिए इसको बराबर करते हैं। यहाँ से W और इसके बीच का दूरी देखिए कितना, 1.7 मीटर है ये वाला दूरी। ठीक है, आलम्ब से इधर का दूरी 1.7 मीटर क्वेश्चन में दिया गया है, इसको बराबर करेंगे हम किसके, यहाँ पे P इस साइड के लोड और इस साइड का दूरी, तो इसको मान लिया हम एक्स, इसी को हमको क्या करना है, फाइंड करना, तो इसको एक्स से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स निकाल सकते हैं, एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, W देखिए कितना दिया है, 48 दिया हुआ है और 1.7 जो है वो एक दूरी है। ठीक है, और इधर P हमारा कितना है, 32। ठीक है, 32, तो यहाँ से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं कितना हो जाएगा हमारा, 48 और 1.7/32, ये हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू। ठीक है, इसको भाग दे दीजिए, इसको जब हम लोग यहाँ पे कटाएंगे तो कितना से, ये देखिए हमारा 8 से कटा सकते हैं इसको। ठीक है, 8 × 4=32 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको गुना कर सकते हैं, 2.1/2 के आसपास आएगा, यानी आपका हो जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, उस तरह से इसका हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा प्रॉब्लम था ये, और इससे नेक्स्ट वीडियो में जो इससे हाई लेवल का क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जो कि थोड़ा मॉडरेट लेवल का होगा। ठीक है, जिस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इस तरह का ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1990 ईस्वी में पूछा गया है। ठीक है, और इसमें जब भी आपको संतुलन की स्थिति में बोला जाएगा, मतलब आपको सिंपल क्या करना है, इस तरफ का लोड और इसका डिस्टेंस को गुना करना है, और इस तरफ का लोड और इस तरह का डिस्टेंस को गुना करके क्या करना है, दोनों को बराबर कर देना। ठीक है, तो आपका जो है वैल्यू वो निकल जाएगा जो भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन, यदि आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू।